ये रही आपकी चाय। और ये आपकी। हेलो। हाँ बरिस बोलो। हाँ मुझे पता है। कब? ठीक है ओके, मैं 2 घंटे में वहां पहुंचता हूँ। ठीक है पहुंचता हूँ, आता हूँ तुम्हारे पास। ओके अभी बहुत सारे पोस्टर्स लगाने हैं रहमत, यहाँ वहाँ देखने की बजाय काम करो। क्यों, तुम खुद जाकर लगा दो फिर। शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपसेट हो, सुबह से इतने गुस्से में नजर आ रहे हो। तुम्हें ये बात कैसे पता है? खैर तुमसे तो मैं पूछना भी नहीं चाहता। चलो बताओ डेरन कहाँ है, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। जिससे प्यार करते हो उसकी बहन से उसके बारे में पूछ रहे हो। पर तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी। डेनिस अगर तुम्हें पता है ना तो प्लीज मुझे बता दो। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगी। सच्चा प्यार करते हो तो खुद ही पता कर लो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, मैं भी थोड़ी बिजी हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके सी यू। व्हाट्स अप ड्यूड, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम इतने गुस्से में क्यों? डेनिस से झगड़ा हुआ क्या? मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो क्यों तुम्हें छेड़ती रहती है? जानना है तो उसी को पूछ लो जाकर। डेनिस को पूछो, उससे पूछने की हिम्मत नहीं है, पता नहीं वो कब गुस्सा हो जाए। देखो जब भी तुम मुझसे बात करते हो ना तो ये सब वर्ड्स इस्तेमाल मत करना, डूड, माय फ्रेंड, माय बॉय, इस तरह के शब्द, समझ गए ना? ओके डूड, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, क्यों आ रहे हो मेरे पीछे, क्या चाहिए? क्या हुआ बताओ। अरे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मुझे तुमसे डेनिस के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन क्यों? अच्छा डूड, तुम इस लड़की को झेल कैसे लेते हो? हाँ देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? नो डूड, तुम इमेजिन नहीं कर सकते उतनी दिक्कत है उसे तुमसे। जब वो तुम्हें देखती है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तुम हमेशा उसे कंट्रोल कर लेते हो। यार कैसे कर लेते हो तुम? मैं यही सोचता रहता हूँ कि तुम ऐसा कर कैसे लेते हो। हाँ बताओ ना मुझे भी। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें डेनिस के बारे में एडवाइस चाहिए? हाँ। ओके तो हिम्मत करके सुन ही लो। देखो पैरों में चलने की ताकत हो ना तो तुम्हें दौड़ना चाहिए, समझ गए? क्योंकि इससे पहले तुम कुछ समझ पाओ तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी हालत खराब करके रख देगी, समझे? मिल गई तुम्हें एडवाइस? कमाल के लोग हैं। डेरिन सेलिक, स्टूडेंट्स अफेयर्स आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। डेरिन सेलिक, स्टूडेंट्स अफेयर्स आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। उसने अनाउंसमेंट करवा दी, उसने उसे कॉल भी नहीं किया। किसने? वेट, मैं अभी आती हूँ। ओके। मुझे जाने दो प्लीज। नहीं तुम बिजी नहीं हो, मैंने ही वो अनाउंसमेंट करवाई है। क्यों? डेरिन मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थी? मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज लेट्स टॉक। प्लीज डेरिन मुझसे बात करो। देयर इज नथिंग टू टॉक। ओ डेरिन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरी बात तो सुन लो। सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। रहमत मुझे काम है। अच्छा मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम, लेकिन तुम प्लीज पहले मुझसे बात तो करो। नहीं तुम वो काम नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तुमसे काम करवाना नहीं चाहती। ओके मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, एटलीस्ट ये तो सुन लो कि मैं कितना डिजर्विंग हूँ।
तुम नहीं मानोगे ना? ऑफ कोर्स नहीं मानूंगा। एक बार मेरी बात सुनो फिर डिसाइड कर लेना। और वैसे भी मैं स्कूल का हर कोना जानता हूँ, तुम कहीं भी जाओ मैं डिस्टर्ब करने आ ही सकता हूँ। ओके लेट्स टॉक। अरे यहाँ हॉलवे में कैसे बात करें? चलो ना हम दोनों कहीं और चलते हैं, चलो ना। मुस्तफा, अच्छा सुनो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना। ठीक है तूफान भाई। जैमिल। हाँ। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो चलते हैं, हम बाद में आ जाएंगे ना। चलो ना जैमिल प्लीज, मैं थक गई हूँ। जैमिल जैमिल जल्दी बताना कहाँ जा रहा है। चुप चुप चुप। क्या हुआ? वो जा रहा है ससाई। चलो चलो जल्दी चलो, उसका पीछा करते हैं हम वरना वो चला जाएगा। जैमिल जैमिल स्टॉप स्टॉप, गाड़ी को रुकाओ। हेलो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, हमें उस ब्लू कार का पीछा करना, चलो। डेरिन देखो मुझसे नहीं हुआ, मैं मैनेज नहीं कर पाया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में बताया था, मैं अंकारा की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले ही मेरी दीदी को पुलिस पकड़ कर ले गई। तुम्हारी बहन? क्यों? ओह जाने दो ना, ये बहुत लंबी कहानी है। एक तो घर पर तीन बच्चे थे, ऊपर से वो इडियट पागल हिकमत पापा भी हमारे साथ नहीं थे। मैं बहुत ही कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि घर जो चलाना था पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल सब कुछ। मेरी दीदी बेचारी सब कुछ मैनेज करती थी, लेकिन उनके एब्सेंस में मैं अकेला पड़ गया था, क्या कर सकता हूँ, और इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैं गैस स्टेशन पर अपना काम किया करता था, और एग्जाम वाली बात, उस समय मैं थोड़ी देर के लिए तो वहीं पर सो गया। तुमने एग्जाम मिस कर दी? हाँ मैंने एग्जाम नहीं दी, मैं एग्जाम नहीं दे सका डेरिन। मेरी दीदी ने मुझसे बहुत सारे सपने एक्सपेक्ट करके रखे हैं, और वो सिर्फ यही चाहती है कि मैं डिग्री लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान बन जाऊं। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने एग्जाम अटेंड नहीं किया, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। वो समझती है कि मैं स्कॉलरशिप से पढ़ता हूं और पैसे भी कमा लेता हूं अच्छे खासे। ओके डेरिन, आई एम वेरी सॉरी, तुम ये डिजर्व नहीं करती हो मैं जानता हूं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ को उसी तरह जीना है तो तुमने उस इक्वेशन को सॉल्व क्यों किया? मुझे ताज्जुब है कि मैंने वो सॉल्व कैसे कर लिया, चलो लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि स्कूल में मुझे जीनियस सर्वेंट के नाम से जाना जाए। डेरिन अभी नहीं, मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है। फॉर श्योर कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं डेरिन, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हूं, इसलिए ये सब अभी नहीं। क्योंकि तुम अभी तक मुजदे को भूल नहीं पाए ना? नहीं 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 नहीं, इससे मुजदे का कोई कनेक्शन नहीं है डेरिन, प्लीज ये बात किसी को मत बताना, स्पेशली डेनिस को। रहमत मेरी बहन इतनी बुरी इंसान नहीं है, वो तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए बिहेव करती है क्योंकि वो मेरे लिए कंसर्न्ड है। ओह, तो तुम दोनों यहाँ हो एक दूसरे के साथ? हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सच कह रही हो? मेरी बात कर रहे थे तुम दोनों? तुम्हारे बारे में बात शुरू होते ही खत्म हो गई।
क्या कर सकते हैं, तुम चीज ही वैसी हो। वेल लेट्स गो डेरिन, मैडम डेनिस के बॉल के लिए स्कूल को डेकोरेट करते हैं। थैंक यू सो मच। हम पार्क में क्या करने जा रहे हैं मैडम? हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं वो किसी बच्चे की माँ के साथ कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है? तुम तो कुछ भी इमेजिन कर लेते हो, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आए हैं, शायद उन्हें फूल पसंद हो, क्या पता। चलो वो रुक गया, रुको, कर क्या रहा है ये? हाँ, क्या हुआ? नीचे झुक जाओ यार, क्या खरी? और कितना झुकूं, जमीन से चिपक जाऊं? अरे यार नीचे झुक जाओ तुम। जेमिल, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे, रेडी हो जाओ अगले सीन के लिए। मैडम तुमको ना पुलिस में होना चाहिए था, सच में। एग्जैक्टली, आई एग्री। वैसे मैं पुलिस तो अभी भी बन सकती हूँ, इतनी यंग जो हूँ, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तुम्हें लगता है ऐसा? बरिस। बरिस? ये तो बरिस है। ओ, वो यहाँ क्या कर रहा है? जमील, जमील, तूफान भाई उसके साथ क्या कर रहे हैं? धोखेबाज कहीं का, देखो उसको। मैं भी जा रही हूं। अभी नहीं जाना चाहिए, क्या कर रही हो? तूफान भाई तो आस्तीन का सांप निकला, मैं दोनों का सफाया कर दूंगी। वो जो चाहे वो करे, ठीक है, लेकिन अगर तुमने हम दोनों को आपस में भिड़ा दिया तो हम एक दूसरे का गला काट लेंगे। जमील, उसने वो स्कार्फ किस लिए खरीदा? उसका पता हम बाद में लगा लेंगे। वो स्कार्फ उसने ऑफकोर्स उस आदमी के लिए तो नहीं लिया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो लेट्स गो। देखो तूफान भाई को, धोखेबाज कहीं का, आस्तीन का सांप, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे हुआ क्या है, खुलकर बताओगे? प्लीज बताओ मुझे। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन बात जरूरी थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम बाहर ऐसी जगह पर मिल रहे, कहीं और भी तो मिल सकते थे। मेरा बेटा पास वाली हॉस्पिटल में एडमिटेड है, इसलिए मैं उसे छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में क्यों है, क्या हुआ? सावस बहुत बीमार है, उसका हार्ट, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। बरिस, बरिस, बरिस संभालो। अरे ये कैसे हो गया? बरिस, बरिस आराम से संभालो खुद को। अरे बहुत बुरा लग रहा है। खैर अब वो कैसा है, वो ठीक तो है ना? हाँ, ऊपर वाले की दया से वो अब ठीक है। मैं क्या करूंगा अब तूफान? वो छोटा सा बच्चा मेरे पास ही रहना चाहता है और मैं फिलिस के बिना रह नहीं सकता। मैंने उसी बच्चे के लिए फिलिस के साथ रिश्ता तोड़ दिया था, बताओ मैं क्या करूं? वो बच्चा जो कल तक मेरे लिए एक स्ट्रेंजर था, वो आज मुझ पर पूरी तरह डिपेंडेंट है और मैं फिलिस पर डिपेंडेंट हूं। मैंने सोचा था अगर वो मुझसे नफरत करने लगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उसे देखकर बेकाबू हो जाता हूं। मैं उसे किसी और के साथ देख नहीं सकता। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं तो गिना भी नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकता,
और ना ही फिलिस को। बरिस, बरिस, देखो अपना ध्यान रखो तुम और खुद को संभालो, और मुझे शुरुआत से सब कुछ बताओ कि आखिर ये सब हुआ कैसे और जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं वो सच है क्या? थैंक यू डियर। बताओ ना क्या कहा मिस्टर सलीम ने? कुछ नहीं कहा, हम कुछ और बात कर रहे थे। तुम बिना बताए चली आई इसलिए नाराज थे ना, वो यही कहा ना उन्होंने? हाँ यही कहा। वेलकम, आपको किससे मिलना है? आप गलत जगह आ गई हैं। दरअसल क्लिनिक बाजू में है। फिलिस, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्या मुझे तुम्हारे 5 मिनट मिलेंगे? तुमसे बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फिलिस प्लीज। गर्ल्स, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्नैक की शॉप खुली है, चलो चलो हम लोग कुछ नाश्ता करके आते हैं। चलो फिलिस, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हाँ बोलो। बरिस, तुम सचमुच बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन भाई अगर तुम फिलिस से प्यार करते हो तो उसे उसे अपनी जिंदगी जीने दो, और इस वक्त अगर देखे तो तुम्हारा बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना है ना? और इस वक्त तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। सही कहा। और मुझे और तुले को ही देख लो, देखो एक जिंदगी को बचाना ही ना सबसे बड़ा काम है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? देखो अगर उस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो तुम सच में खुद को माफ नहीं कर पाओगे, और उसके बाद फिलिस या तुम्हारा प्यार कुछ भी याद नहीं आएगा। अच्छा वैसे फिलिस और उस वकील के बीच में कुछ है तो नहीं ना? अभी तो उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में हो जाए। वैसे तुम क्या करोगे? क्या तुम क्लिनिक जाना छोड़ दोगे? ये क्या सवाल पूछ लिया तुमने तूफान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? तुमने देखा है ना, जब मैं उसे शॉप पर नहीं देखता तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। वो पास रहती है, मेरे लिए बस यही काफी है। ठीक है, अभी तो उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पता आगे जाके वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, और उसके बाद तुम क्या ये सब बर्दाश्त कर पाओगे? पता नहीं। चलो उठो उठो। देखो मेरी बात सुनो बरिस, पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है, समझे? सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचो अभी, उसे अभी अपने अपने पापा की जरूरत होगी, समझे? तो जाओ उसके पास और उसे दिखाओ कि उसके पापा उसके देखभाल के लिए उसके पास हैं, और वैसे भी इस दुनिया में अपने बच्चे से ज्यादा प्रेशियस क्या होगा? थैंक यू। अपना ध्यान रखो बरिस, यही वक्त है कि तुम्हें अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। जानता हूं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। देखो मेरी तरफ, मेरा तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे और तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो और निकल जाओ। ठीक है, पर सवस के दिल में अब भी तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। तुम इसे नजरअंदाज मत करना फिलिस, प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिससे सवस तुमसे दूर हो जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे हस्बैंड को संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और ये अपने घटिया प्लान से मुझे दूर ही रखो, समझ गई? गेट आउट। फिलिस मेरी बात सुनो, मैं एक वाइफ नहीं बल्कि माँ बनकर बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने भाई और बहन से कितना प्यार करती हो। मुझे भी अपने बच्चे की हेल्थ की फिक्र है। मेरे बच्चे को रिकवर होने के लिए उसके डैड की जरूरत पड़ेगी फिलिस, तुम समझ गई? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते की वजह से मेरे बच्चे की रिकवरी रुक जाए। रिकवरी? कैसे रिकवरी, क्या कह रही हो तुम? फिलिस, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बहुत क्रिटिकल है, उसकी हालत बहुत खराब है। जब भी सवस तुम्हें देखता है मेरे बच्चे की हालत और खराब हो जाती है। मैंने और सवस ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की है अपने बच्चे के लिए। इन्हें बर्बाद मत होने देना फिलिस। और मैं बस तुमसे यही कहने आई थी फिलिस। जेमिल, इतना चलकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैडम, मैंने आपसे कहा था ये काम ऐसा ही है। हम टैक्सी से आ सकते थे पर तुमने मना कर दिया ना, अब क्या करें बताओ? रहने दो जेमिल, तुम ही बताओ मुझे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और वैसे भी हम हर जगह टैक्सी से तो नहीं जा सकते ना। हाँ, जाते वक्त हम जल्दी में थे लेकिन लौटते वक्त तो चले जा सकते हैं आराम से। देखो हम पहुँच भी गए यहाँ पर। Yeah, you're right. सही कह रहे हो। वो कौन है? मुझे क्या पता, इस्तांबुल के सारे रईस हमारे मोहल्ले में ही आने लगे हैं। सारी एक्सपेंसिव कार देखने मिलेगी यहाँ पर। हाँ, सही कह रही हो तुम। एक्सक्यूज मी, क्या किरास एलिबल यहीं रहती है? यस, तुम कौन हो? मैं उसके स्कूल फ्रेंड हूँ, मुझे उससे मिलना था। मिलना क्यों चाहते हो? स्कूल में नहीं मिले? नहीं, आज वो स्कूल नहीं आई। क्या? और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। कैसे नहीं आई? मैंने खुद उसे स्कूल में ड्रॉप किया था। वो नहीं आई। सच में जेमिल, मैंने खुद उसे ड्रॉप किया था। शायद वो घर पर होंगे, मैं अभी घर जाकर देख के आती हूँ। किराज, कहाँ पर हो तुम? ज़ेनब, जेमिल, वो आराम से, जेमिल आराम से। वो दोनों यहाँ नहीं है। एटलीस्ट घर तो यही है ना। यू डोंट वरी, वो लोग वापस आ जाएंगे। और वैसे भी फिक्री भाई है ना उनके साथ। फिक्री उनके साथ हो या ना हो, लेकिन उसका तो दिमाग ही खराब है, हमेशा स्टोन रहता है। क्या? अरे फोन उठाओ, अब मैं क्या करूंगी? मैंने उसकी नीली आंखों पर विश्वास कर लिया। क्यों? किरास को फोन लगाती हूँ। फिको, नहीं फिको को कॉल करती हूँ। फिको, कॉल उठाओ, फोन नहीं उठा रहा वो। अरे सुनो, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो घर आ जाएगा। अच्छा, क्या कीकी ऐसी जगह पर रहती है? कीकी क्या? किरा, क्यों? अरे लड़की, क्या कह रही हो तुम? ये उसी का घर है और वो यहीं रहती है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ उसने तुम्हें क्या बताया। सोचो, अच्छे से सोचो, दिमाग से सोचो। मुझे अभी भी पता चला है कि वो ऐसी जगह रहती है। आप बहुत अजीब तरीके से बात करती हैं।
जेमिल, हम प्लीज बाहर जाकर ढूंढते हैं। सुनो, हम जाएंगे। मैं फिलिस को क्या कहूंगी अगर वो नहीं मिले तो? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो हमें जरूर जाना चाहिए। रुको, मैं अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वैसे भी अभी वो पेट्रोलिंग पर निकले होंगे, वो हमसे पहले ढूंढ लेंगे उन्हें। अरे तुम प्लीज चिंता मत करो, जस्ट काम डाउन और बैठो चुपचाप यहाँ। अगर वो मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर वो नहीं मिले तो फिर हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो गए कहाँ पर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलिस को क्या कहूंगी? ओके, मैं जा रही हूँ। उसे कह दीजिएगा कि मैं उससे मिलूंगी। मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। वो यही होंगे। थैंक यू। जेमिल, सुनो सुनो, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे, तुम बस चुप रहो। हाइपर होके क्या होने वाला है, शांत बैठो ना। हाँ, उन्हें फिलिस आने से पहले ढूंढना ही होगा। प्लीज, मैंने क्यों तुम्हारी बात मानी और उस धोखेबाज का पीछा किया? मैं एक डिटेक्टिव का काम कैसे कर अच्छा, सकती हूँ? मैंने क्यों तुम्हारी बात मानी? सब मेरी गलती है। मैंने इन्हें स्कूल में ड्रॉप किया था जेमिल, ये मेरी ड्यूटी थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। अगर वो कहीं चले भी गए तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है यार? You just calm down, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? जेमिल, बच्चे घर पर आने चाहिए, पर ना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज कूल डाउन हो जाओ वरना बेहोश हो जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, पुलिस से क्या कहूंगी? मुझे calm down, calm down, समझ में नहीं आ रहा। वो घर आ जाएंगे। जेमिल, सारी मेरी गलती है। तुम इसे यूज कर लो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इसे यूज कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बात मानो, बच्चे घर आने चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे ना। जेमिल, मुझे बताओ, वो आ जाएंगे ना जल्दी घर पे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये फायदा करेगा, मेरी बात मानो तुम। काम डाउन, ओके? ठीक है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? वो लोग आ गए जेमिल। तुम लोग कहाँ थे? हाँ, अंदर आओ, फिर बताती हूँ तुम लोगों को। फिक्री भाई भी उनके साथ है तो मैं चलता हूँ। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए? हाँ, इतनी देर तक कहाँ थे तुम लोग, बताओ? क्या हो रहा है ये सब? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम लोग कहाँ थे, स्कूल से गायब क्यों हुए और फोन क्यों बंद था तुम्हारा? नहीं, हमारे फोन बंद नहीं है। हाँ, ये तो बंद है। फोन को चालू रखने के लिए बिल भरना पड़ता है उसका। हाँ, मुझे कैसे पता होगा, बिल मैंने तो पे नहीं किया। सिसेक्टी, मेरे फोन का भी यही हाल है। चलो ना, सबका बिल भरते हैं। हाँ, मेरी बाप की बारात में आई हो ना तुम, कहाँ ले गई थी इन लोगों को बताओ? चुप करो, तुम्हें क्या करना है बेवकूफ लड़की? मैं कोई लैंप हूँ जो कोई उठाकर घूमेगा? मैं अपने आप गया था और मैंने अच्छा किया। मुझे अपने बारे में कुछ बहुत सी चीजें पता चली हैं और मैं इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। अच्छा सुनो, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या है? बहुत बढ़िया वाला तार है, गरम कर दूं? गरम मत करो, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। हटो हटो हटो। दीदी, हमारा फोन का बिल पे नहीं हुआ है, हमारे फोन बंद हो गए हैं। कितना है बिल? हम दोनों का मिलाकर 3000 होंगे। क्या दीदी, हमारे फोन बंद हो गए, घर भी बिक गया, पापा भी ठीक नहीं है, मैले आंटी भी पता नहीं कहाँ है, हमारा क्या होगा? दीदी प्लीज बिल पे कर दो ना, हमारे फोन चालू हो जाएंगे। हाँ। देखिए ना सिसेक दीदी, सुबह से फोन कर रही है, हमारा फोन ही नहीं लग रहा है। लेकिन वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही थी? फिलिस, तुम जरा मेरे साथ चलो, इससे पहले कि तुम भड़क जाओ मेरी बात सुन लो। चलो जल्दी चलो। हाँ फिलिस, आज मैंने और जेमिल ने तूफान भाई का पीछा किया था, और तुम्हें पता है वो सीक्रेटली हमारे दुश्मन को मिल रहा था। कौन हमारा दुश्मन? बरिस, और कौन हो सकता है? ओह, तो क्या हुआ, मिलने दो उन्हें। कैसी बात कर रही हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा बंदा दुश्मन से कैसे मिल सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना, तुले से कहो अपने हस्बैंड पर नजर रखे और उससे मिलना बंद कर दे। उसने अपने बेटे को मरने से बचाया है, क्या करना है तुम्हें? वो जिससे चाहे मिल सकता है। हटो, मुझे ये रखने दो। ये तुम क्या कह रही हो, वो मिल सकता है का क्या मतलब है? स्वीटहार्ट,
ये लो। कैसा लगा तुम्हें? क्योंकि तुम्हें ऐसी अलग चीजें पसंद है तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ गिफ्ट करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अच्छा है ना? तो ले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें पता है ना? मुझे पता है, कैसे पता नहीं होगी। तुले, मैं तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता हूं, और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा दर्द फील कर सकता हूं तो वो भी सही नहीं होगा ना। लेकिन मैं तुम्हारा दर्द बांट तो सकता हूं। हस्बैंड और वाइफ का रोल होता है कि हर हालात में एक दूसरे के साथ रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा दर्द समझने के लिए। तो तुले, मैं तुम्हारा हर हालात में पूरा साथ देना चाहता हूं। तूफान, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। मुझे पता है मैं नॉर्मल नहीं हूं, और शायद तुम भी मेरे लिए सही नहीं हो। मेरे लिए कुछ भी सही नहीं है तूफान, कुछ भी सही नहीं है। अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। ठीक है, तूफान भाई, उसने आज भी घर में नहीं आने दिया। नहीं, आज फिर से मैं घर के बाहर ही हूं। क्या करूंगा मैं आखिर? हाँ, और मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो हो सकता था वो किया, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैं, आप जानते हैं ना कि वो आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो आपसे। तूफान भाई, हम सब मिलकर इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अरे हाँ, मुझे भी पता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें पता है हम मर्दों को कभी कभी कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घर के हालात सही नहीं है, दुकान सही नहीं है, और उसके बाद बारिश। घबराइए मत, मुझे पता है। हाँ, उसका बच्चा बीमार है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? फिलिस, हमने सच में उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसने हमसे बात ही नहीं की, हमें कैसे पता चलता कि क्या चल रहा है? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कतों की वजह से वो हमसे खुलकर सारी बातें नहीं बताया, और फिर अब तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहेगा। बेचारा छोटा सा बच्चा कितना बीमार है। हाँ। प्लीज, उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सब जानती हूं, वरना वो और अपसेट हो जाएगा।
तुम बर्दाश्त कर पाओगी ये सब? और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना? हेलो, फिलिस बोल रही हूँ। जानता हूँ, तुम्हारा नंबर याद है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? अच्छा, हाँ हाँ, कब और कहाँ मिलना है? यहाँ पास में एक पार्क है, जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो 5 मिनट में वहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट में मिलता हूँ। सी यू।